30 फीट के गड्ढे में छुपा बैठा था यह भयानक जानवर, और जब बाहर आया तो उत्तर प्रदेश के संबल जिले के एक गांव में एक अजीब सा जानवर मिला है, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान हैं। हालांकि जब यह जानवर मिला तब यह 30 फीट गहरा गड्ढा खोद रहा था। तभी अचानक नजदीक के खेत में काम करने वाले एक किसान ने उस जानवर को देखा तो उसके होश उड़ गए। दिखने में तो वह जानवर किसी मगरमच्छ की तरह दिख रहा था। उसकी एक लंबी पूंछ थी और उसके शरीर पर पत्थर की तरह एक सख्त कवच था। उसकी जुबान भी काफी लंबी थी। स्थानीय लोगों को पता नहीं था कि यह जानवर कौन सा था, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन वह जानवर काफी ताकतवर था, उसने भी 2-3 लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। उसकी खाल काफी मोटी थी। गांव वालों ने बहुत मेहनत के बाद उस जानवर को काबू में किया और पकड़ लिया, और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जब अन्य लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस जानवर को पहचान लिया। वह एक इंडियन पेंगोलिन था। इंडियन पेंगोलिन एक एंटीटर है, यानी छोटे छोटे चींटी और कीड़े को खाने वाला एक जानवर है। यह एक बहुत दुर्लभ पशु है। इसकी लंबाई करीब 80 सेकेंड 122 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी पूंछ की लंबाई करीब करीब 40 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन लगभग 10 सेकेंड 16 किलो तक होता है। यह प्राणी ज्यादातर रात के समय बाहर निकलता है और अन्य जानवर से रक्षा के लिए इसके शरीर पर पत्थर जैसा एक सख्त खाल होती है, और जब शिकारी उसके नजदीक जाता है तो वह अपने शरीर को एक बॉल में बदल लेता है। यह जानवर ज्यादातर 20 साल तक जीवित रहता है और इस जानवर के पास कोई दांत नहीं होते हैं।